अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को चारी। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के प्रथम लंब माने पहले अध्याय की चर्चा, पहले अधिकार की चर्चा हम कल तक यहाँ संपन्न कर चुके हैं। जीवेंद्र कुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। आचार्य आर्य नंदी के निर्देशन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। तुतलाती हुई भाषा को छोड़कर वे स्पष्टवादी हो गए। उनकी बाल सुलभ चेष्टाएँ लोगों के चित्त को आकर्षित करती थी। बचपन से ही बहुत तार्किक थे। छोटी छोटी सी बातों में जिस तरह से वे जवाब देते थे वे लोगों के चित्त को आकर्षित कर लिया करते थे। कल ऐसा भी कहा गया कि पूर्व विशिष्ट पुण्य योग के बिना सर्व अनुकूलताएँ नहीं मिलती। जीवंदर का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और लालन पालन किन परिस्थितियों में हो रहा है यह सब पूर्व में किए गए उदय की ही विचित्रता जानना चाहिए। संयोग जितने भी होते हैं ये पूर्वबद्ध कर्मों के उदय अधीन होते हैं। ये नियम है, ये सिद्धांत है। इसमें आपका वर्तमान पुरुषार्थ नहीं चलता है, आपकी मेहनत नहीं चलती। एड़ी से चोटी तक का वर्तमान में जोड़ लगा लो, संयोग उतने ही मिलेंगे जितने पूर्व में किए गए कर्मों का फल उदय में आने योग्य होगा। हमने खूब कोशिश की करोड़ कमाने की, 10 करोड़ कमाने की, 100 करोड़ तक कर लेने की, लेकिन कितना कर पाए और कितना होगा उतना ही होगा जितना आपने पूर्व में कर्म बांधा था। इसका मतलब वर्तमान संयोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं ऐसा कर दूं, इसको ले आऊं, इसको हटा दूं, इसको जोड़ दूं, इसको तोड़ दूं, ऐसा ये सब किसके अधीन है? उदय अधीन है। माने ये इतनी बड़ी बात यहाँ कह दी है कि हमें पूरी तरह से संयोगों से दृष्टि हटाने के लिए निर्भर कर दिया गया है। ज़्यादा वजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाल कैसे रहेंगे बोले तेरे कंट्रोल में नहीं है। कि मैं ऐसा करवा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये करने के लिए ऐसा करता हूँ कि तू करता रहे, कुछ भी होगा वही जो तेरे ही द्वारा किए गए कर्म के उदय अनुसार होगा। शरीर की स्थिति भी, संयोगों की स्थिति भी, पारिवारिक स्थिति भी। माने हमारा वर्तमान में किया गया कितना भी पुरुषार्थ वो कुछ भी कार्यकारी नहीं होता, यह बात यहाँ कह दी गई। देखिए संयोगों में तो हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता क्योंकि वो तो परिस्थितियाँ हैं। तो फिर साहब हम तो कुछ नहीं, बेकार हो जाएंगे, हमारे हाथ में क्या रहा? कि सुन भाई, संयोगों में फेरफार करना तेरे हाथ में नहीं है। अभी मौसम कैसा रहेगा, लाइट आएगी कि चली जाएगी, पंखे की हवा कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, समझ में आ रही है बात? बातें बहुत छोटी है लेकिन विस्तार करने जाओ तो ग्रंथ भर जाए ऐसे वाक्य हैं। ये बात कहने में तो एक छोटा सा वाक्य हमने यहाँ पढ़ लिया, संयोग जन्य सभी अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मों के अधीन है, उदय अधीन है, एक वाक्य पढ़ लिया हमने। लेकिन आप यदि इस वाक्य की गहराई में जाएंगे तो जनागम भरा पड़ा मिलेगा आपको। आप इस वाक्य की गहराई में चले जाएंगे तो आपको कदम कदम पर स्वाधीनता नजर आएगी। आपको कदम कदम पर ऐसा लगेगा कि ओहो मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या कर सकता है, इसने मेरे साथ ऐसा बिगाड़ दिया, ये क्या बिगाड़ेगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, कौन बिगाड़े।
बिगाड़ने की चेष्टाएं करने वाले जगत में बहुत होते हैं, लेकिन यदि मेरे पाप कर्म का उदय न हो तो दुनिया में कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। सहयोग करने वाले दुनिया में हजार मिल जाएंगे, उनके सहयोग करने के परिणाम भी होंगे, दिल से मेरा सहयोग करना भी चाहेंगे, लेकिन यदि मेरा उस संबंधी पुण्य का उदय नहीं हो तो वे सहयोग करने वाले कुछ नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। आपकी तो बहुत इच्छा है कि ये मंदिर में ऐसा हो जाए, यहाँ ऐसा हो जाए, ये ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए, लेकिन ये सारे संयोग उदय आदि ने भाई साहब आपके करने से नहीं हो रहे हैं। कौन किसको करे, कौन किस में फेरफार करे, ये यहाँ कह दी ये बात। अब बातें इस लेवल तक मैं ये चर्चाएं कर सकता हूँ कि आपके घर की एक एक ईंट वो आपके उदय आदि ने, कौन सी दीवार पर कौन सा कलर होना है ये आपके उदयाधीन है, आपके घर की अलमारियाँ कितनी होगी, घर में जगह कितनी होगी, उन अलमारियों में कपड़े कौन कौन से होंगे, कौन से कलर कौन सी डिजाइन का कपड़ा आपके सहयोग में आएगा ये उदयाधीन है, आपके पास में कितने कपड़े जोड़ियाँ होंगी, उसमें कौन कौन सी साइज के होंगे, कौन से छोटे हो जाएंगे, कौन से पुराने हो जाएंगे, किसको ड्राई क्लीनर बिगाड़ देगा, कौन सा फट जाएगा, कौन सा पुराना हो जाएगा, कौन सा तुम्हें पसंद आएगा, कौन सा नहीं आएगा, आपके घर में चप्पल कितनी होगी, बर्तन कितने होंगे, चम्मच और गिलास कितने होंगे, ये सब उदयाधीन है। अब बोलो किस हद तक बात करूं मैं, ये सब संयोग है ना। क्या बच्चे कैसे होंगे और कब सामने जवाब देगा और कब आपसे प्यार से बात करेगा, कब आपके पैर छुएगा और कब पलट करके जवाब दे देगा, ये संयोग है, ये उदयाधीन है। दोष उसका नहीं है, काम अटकाने वाले का दोष नहीं। कब तक किसका संयोग बना रहेगा, बेटे का संयोग कब तक रहेगा और पत्नी का संयोग कब तक रहेगा, माता पिता का संयोग कब तक रहेगा, भाई भाई का संयोग कब तक रहेगा, कब तक इनके साथ में दोस्ती रहेगी और कब शत्रुता में बदल जाएगी, दुकान में पड़ा हुआ माल कितना रहेगा और कब चले जाएगा और कब आएगा, कितना उधार जाएगा और कितने का पेमेंट आएगा और कितना डूब जाएगा, उदयाधीन है। बोलो अब कितना विस्तार करूं मैं, तो संक्षेप में कह दिया मैंने, विस्तार करना हो तो पूरा प्रवचन इसी में चला जाएगा, पौन घंटा इसकी चर्चा कर सकता हूं मैं, और आप महसूस करेंगे सच में ये आपके पुरुषार्थ पर नहीं चल रही है गाड़ी। सोचता ये मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने ऐसा, अरे साहब मेंटेन करके चलता हूं, आज तब जाकर के शरीर देखो आप जैसे का तैसे है। आज भी लोग ये कहते हैं 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे आज भी दिखते हो, कितना मेंटेन करके चलता हूं। ये तेरे मेंटेन करने से मेंटेन नहीं होता क्या, हम क्या मेंटेन करें, ये सब संयोग है। संयोग पहले ये नक्की करो, संयोग है और संयोग इसमें तेरा हस्तक्षेप होता ही नहीं है, तो फिर मेरी चलती कहाँ है ये बता दो। किसी व्यक्ति ने गाली दी, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने प्रशंसा की आपकी, कोई निंदा आलोचना करने लगा, किए जाओ विस्तार। क्या कितना विस्तार कर सकते हो आप, कौन व्यक्ति आपके साथ में कैसा पेश आएगा, क्या पारस जी साहब, अब आगे की चर्चा आपके लिए। क्या माने ये जो परिस्थितियां जितनी भी बन रही है, इन सारी परिस्थितियों का निर्णय कौन कर रहा है, आप मंदिर के अध्यक्ष बनाए जाओगे या मंत्री, आप कौन से पद पर रहोगे, कौन सी संस्था में, वहां आपको कितना पूछा जाएगा, कितना अपमान किया जाएगा और कितना सम्मान दिया जाएगा, आप मैच में कितने रन बनाओगे और कितने पर आउट हो जाओगे, हर चीज नक्की है, क्योंकि सब संयोग है। ये सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। मैं सर्वद्रव्य पर्याय इशु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां उदयाधीन की बात कर रहा हूं, यहां उदय की स्थितियां हैं। चेहरे पर पड़ी हुई एक एक झुर्रियां ये आपके हाथ में नहीं है, ये उदयाधीन है। कितना नाखून बढ़ेगा और कितना काटने पर कट जाएगा और ज्यादा कटेगा कि कम कटेगा, ये उदयाधीन है। बोलो भोजन का एक घास यहां से जवान से नीचे उतरा और उतरने के बाद में कितना पचेगा और कितना अवगुण करेगा, कितना बीमारी उत्पन्न करेगा, क्या रिएक्शन कर जाएगा, ये उदयाधीन है। आप सोचते हो आपका एक घास गले से नीचे उतर जाने के बाद में क्या असर करेगा,
बताओ आप क्या क्या सोचते हो। आपका जो सर में बाल है ना अभी, ये वर्तमान में बाल कैसे बने हुए हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं। आपकी आंखें कैसी होगी और आपका चश्मा कैसा होगा, बोलो चश्मा कितने नंबर का होगा और कब नंबर आपका उतर जाएगा, कब तक चश्मा रहेगा और कब चश्मा टूट जाएगा, कर सकते हो इसका विस्तार। मैंने तो कुछ पॉइंट दिए हैं आपको, दिन भर सोचो इसके बारे में। कल पढ़ा था ये पहले लंब की अंतिम पंक्तियां थी, ये अंतिम शब्द थे। अब ये कहता है बेटा नालायक है, अब ये कहता है ये मेरे आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है, अब ये कह रहा है ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। वो कौन काम बिगाड़ने वाला, तेरे पाप कर्म का उदय होगा तो काम बिगड़ेगा, नहीं तो कौन बिगाड़ेगा। कितने लोगों ने कितनों का काम बिगाड़ने का प्रयास किया, फिर बिगड़ा के नहीं बिगड़ा ये बताओ। कौरवों ने 100 भाई थे 100, और 5 पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए, कितनी योजनाएं बनाई, कितने षड्यंत्र रचे गए, फिर मार पाए कि नहीं मार पाए ये बताओ। यदि उनके बुरा करने से बुरा होता तो बुरा हो गया होता क्या। कौवे के कोसने से यदि ढोर मरते होते तो कोई जिंदा नहीं रहता। किसी के गालियां देने से, किसी के द्वारा ये भावना बहाने से कि मर जाए ये तो दुनिया में कोई जीवित नहीं रहता, क्योंकि विरोधी सबके मिलते हैं दुनिया में। लेकिन किसी के करने से कुछ होता नहीं है ना, बात तो ये है। तो फिर साहब इसका मतलब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं भी दूसरे का नहीं कर सकता, हाँ ऐसा ही तो है। कोई तेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता तो दूसरे का सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, ये सब तेरे उदय आधीन व्यवस्था है। अज्ञान मेत देह यत्तु परह परस्य कुरियात पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। तेरा सुख दुख और जीवन मरण ये कर्म के उदयानुसार है। इसके ऊपर की दो लाइनें और मार्मिक है, इसके अमृत चंद्राचार्य का श्लोक है, याद आता है क्या कुछ। अमृत चंद्राचार्य आत्मख्याति में बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, बंद अधिकार का कलश है, उसमें इस तरह की चर्चा की है। सामायिक पाठ की तो है ही, वो तो प्रसिद्ध लाइनें हैं। कौन किसको फल देवे, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभा शुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। मेरे द्वारा किए गए कर्म निरर्थक हो जाएंगे, इसने फल दे दिया तुम्हारे को, ये कौन, ये यदि मुझे फल देगा तो मेरे किए कर्मों का क्या होगा। भगवान तुझे पाप देंगे, तो भगवान पाप देने वाले हैं कौन, मैंने खोटा काम किया होगा तभी तो मिलेगा। जबरदस्ती बीच में क्यों लाते हो भगवान को कि नहीं नहीं भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि मैंने अच्छा काम किया होगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, भगवान कोई नहीं। कर्म के उदयानुसार है व्यवस्था। तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा कि सुनो सब तुम्हारे ही हाथ में भैया, क्योंकि ये कर्म द्रव्य कर्म ये तो संयोग रूप फलित होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म किसके कंट्रोल में थे, भाव कर्म के कंट्रोल में थे। इसका मतलब ये संयोग द्रव्य कर्म के कंट्रोल में और द्रव्य कर्म तेरे भाव कर्मों के अनुसार। अब क्या करना है, परिणामों को संभाल। यहाँ लिखा था एक वाक्य हट गया सफाई में अभी, फल तो अपने परिणामों का लगता है, परिणामों को संभाल, अपने भावों को संभाल, जैसे भाव होंगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरे लंब की तरफ बढ़ते हैं। ये तो चलती रहेगी इस प्रकार की चर्चाएं, और खूब विस्तार करना, मैंने तो पॉइंट दे दिए हैं आपको छोटे छोटे से, आप कर लो इनका विस्तार, जितना कर सको उतना विस्तार कर लो। अब देखना घर जाकर के क्या सब्जी बनेगी, नमक ज़्यादा होगा कि कम होगा, रोटी जल जाएगी कि नहीं जलेगी, कि कच्ची रह जाएगी, किसके अधीन है, बनाने वाले के। इन्होंने मेरे को जानबूझ के ऐसा किया, इन्होंने मेरे को जली हुई रोटी डाल दी। देखो आप मेरे साथ ही ऐसा करते हैं तो क्या करें, वो दिल में भावना भाते रहें कि इसके साथ बुरा करूं तो कर नहीं पाए, तेरा उदय खराब नहीं हो तो खूब कोशिश कर लेना मेरा बिगाड़ने की क्या। लेकिन मेरा उदय यदि अच्छा होगा तो रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हारे को,
कोई नहीं कर सकता मुझे। देख लेंगे रावण ने सीता का क्या बिगाड़ लिया, कौन किसका क्या बिगाड़े। देखो दूसरा लंबे शुरू करें, अपन तो विद्वान हो गए हैं, कुछ विद्वत्तापूर्ण चर्चाएं यहाँ हमें जानने को मिलेगी, कुछ नई नई बातें। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जीवंधर कुमार पारंगत विद्वान हो गए। ओहो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे किसके माध्यम से, गुरु का नाम आर्य नंदी आचार्य, किसी समय में आचार्य मुनि रहा करते थे, आज देखो इसके पुण्य योग से शिक्षा देने के लिए आ गए, ऐसा ही योग था उसका। कहाँ से उतर आते हैं, शेर जैसे जीव को समझाने के लिए दो आकाश मार्ग से मुनिराज उतर करके आ गए, हिरण को फाड़ करके खा रहा है, कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, कौन समझाने वाला होगा, कौन बताने वाला होगा। हे सिंह तुझे ये मांस भक्षण शोभा नहीं देता, तू अल्पकाल में तीर्थंकर बनने वाला है, तू भगवान महावीर स्वामी के रूप में 24वां तीर्थंकर बनेगा भारत क्षेत्र का, बोलो ये शोभा नहीं देता तुझे, हिरण को फाड़ करके खा रहा है, कौन उपदेश देने वाले आ गए, कहाँ से आ गए, कोई चांस नजर आ रहा था, दूर दूर तक दूरबीन लगा करके देखो कहीं दिख रहे हैं क्या, कोई चिड़ी का बच्चा भी नहीं दिखाई देवे आपको, शेर जहाँ बैठा हो वहाँ जंगल में जानवर भी नहीं दिखते, वो भी भाग जाते हैं, कौन मनुष्य मिलेगा। लेकिन अंदर से उदय बदल रहा है, संयोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदल जाएगी, अब सारी परिस्थितियाँ बदलने वाली है, क्यों देखो क्या हो गया, जन्म कहाँ हुआ, पालन पोषण कहाँ हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था की चर्चा चली तो कौन आ गया, स्वयं आचार्य, वेश बदला उन्होंने, वेश छोड़ दिया, मुनि पद छोड़ दिया और मुनि पद छोड़ करके आ गए यहाँ समझाने के लिए, विद्वत्ता में पारंगत हो रहे हैं, विद्वान हो रहे हैं, पारंगत विद्वान हो रहे हैं। देखो विद्वान और विद्वान के साथ में एक विशेषण लगा दिया गया, पारंगत, पारंगत विद्वान, निपुण है वे, हर फील्ड की उन्हें नॉलेज हो रही है अब धीरे धीरे। शिक्षा के लिए नहीं, घटना तो भी आएगी, अभी पढ़ेंगे अपन क्या हुआ, देखो सब आएगी चर्चा, ये सब आर्य नंदी की जो चर्चाएं चल रही है ना, ये नीचे गुरु का इसने, फिर उनका आनंदित होना, फिर उनका वार्तालाप, फिर उनकी कथा, फिर वो अंतर कथा, इसके अंदर उप कथा चालू हो जाएगी, फिर उसमें वो बतलाएंगे पूरी पूरी बात क्या हुआ था। अपन ने ट्रेनर देख लिया था पहले, वो ही बतला रहे हैं यहाँ। अथ विद्याग्रहं किंचे दासाद्य सखी मंडित है पंडिताद्विश्व विद्याया मध्य गिष्टाति पंडित है। पहला नंबर का श्लोक है दूसरे लंब का। तदनंतर मित्रगणों से घिरे हुए जीवंधर कुमार ने किसी विद्यालय को प्राप्त करके संपूर्ण विद्याओं में कुशल विद्वान गुरु से विद्या प्राप्त की, तदनंतर महान विद्वान हो गए। चारों तरफ विद्यार्थी हैं और कोई उत्कृष्ट विद्यालय, माने ये वैसे ही विद्यालय होंगे जैसे तक्षशिला का विद्यालय है बनारस का, उस जमाने में इस तरह के चला करते थे, कोई उससे कोई बहुत ज़्यादा पुराना थोड़ी ना, माने यदि उसकी बात करो तक्षशिला वगैरह की 2000 साल पुरानी घटना है, और यदि इनकी बात करो जीवंधर स्वामी की तो 2501 साल पुरानी घटना है, और क्या 2500-2600 साल पुरानी, भगवान महावीर स्वामी के काल में ही तो हुए जीवंधर स्वामी, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। विद्यालय उस समय में ऐसे चला करते थे, गुरुकुल होते थे, शिक्षाएं दिया करते थे, वहाँ अनेक विद्यार्थियों के बीच में सर्व विद्याओं में कुशल और निपुण ये हो गए और महान विद्वान बहुत हो गए, महान विद्वान हो गए। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत जीवंधर कुमार अपनी मित्र मंडली सहित, ये मित्र मंडली कहाँ से आ गई थी, सेठ था ना गंधोत्कट, कितने वर्षों बाद में गंधोत्कट को पुत्र मिला था, वर्षों बाद में, क्योंकि जितने पुत्र होते थे वे सभी पुत्र मरते जाते थे,
जो संतान हुई वो मरी हुई, जो संतान हुई वो मरी हुई। बरसों निकल गए। आप देखिए, एक संतान यदि किसी की हो तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके लालन पालन के लिए ये कितना प्रयास करता है, और वो संतान यदि बहुत दुर्लभता से हुई हो तो उसके प्रति विशेष अनुराग बढ़ जाता है। और दुर्लभता से ही नहीं, अनेक संतानों के मर जाने के बाद कोई एक संतान जीवित हुई हो तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके लालन पालन के लिए उसका कितना विशेष अनुराग होता है। ये सहज स्थिति है जगत के जीवों की। जीवंदर कुमार ने भी उसके लालन पालन के लिए, सेठ गंधोत्कट ने भी बहुत प्रयत्न किए। और क्या प्रयत्न किए, जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, सबसे पहला प्रयत्न तो यह किया कि राजा की आज्ञा से, राजा कौन हो गया था, काष्ठांगार, काष्ठांगार की आज्ञा से जन्मोत्सव मनाया। और जन्मोत्सव मनाकर नगर में जितने भी उसके हम उम्र बालक थे सबको बुला लिया, सबको इकट्ठा कर लिया। ये सब हमारे निर्देशन में रहेंगे, इन सब का खर्चा पानी हम देंगे, और ये सब जीवंदर कुमार के मन बहलाने के लिए उसके साथ में दोस्त बन करके रहेंगे। बोलो कैसे कैसी व्यवस्था, सारे बच्चों को बुला लिया, जितने उसके साल छः महीने दो चार महीने आगे पीछे के जितने बच्चे थे सबको बुला लिया। अब वे उसकी मित्र मंडली हो गई, सब धीरे धीरे बड़े होने लग गए, पाँच सात साल के हो गए, आठ सात आठ साल के, दस साल के हो गए, गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ने के लिए। पूरी मित्र मंडली के साथ में वे जीवंदर कुमार शिक्षालय में चले गए, विद्यालय में चले गए, वहाँ गुरु के निर्देशन में विद्या प्राप्त करने लगे, शिक्षाएं प्राप्त करने लगे, और समस्त विद्याओं में वे पारंगत हो गए। विलक्षण बुद्धि के धनी थे भाई साहब, पूरे विद्यालय में उनकी प्रतिभा कुछ अलग प्रकार की थी, जैसे टोडरमल जी जैसे महापुरुषों की दिखती है ना, अलग तरह की प्रतिभा। जो काम में हाथ लगा ले गए उसमें नंबर वन, सेकेंड नंबर तो मानो उन्होंने कभी देखा ही नहीं किसी भी विद्या में, किसी भी फील्ड में। ये कह रहे हैं, अपनी मित्र मंडली सहित विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश लेकर सर्व विद्याओं की शिक्षा प्राप्त कर सभी विद्याओं के अद्वितीय, अद्वितीय मतलब सेकंड नंबर आने वाले नहीं, अरे साहब किसी सब्जेक्ट में तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया है, बस एक में सेकंड नंबर रह गया, ऐसा नहीं, ये तो हर सब्जेक्ट में टॉप है। शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र है भाई, अद्वितीय विद्वान हो गए। विशेषार्थ क्षत्रिय पुत्र को, अभी विद्याओं की चर्चा बतला रहे हैं, क्या क्या विद्याएं होंगी, असी मसी कृषि विद्या, शिल्प वाणिज्य, हर चीज में हर तरह से वे निपुण हो गए हैं। क्षत्रिय पुत्र को युद्ध कला आदि का विशिष्ट ज्ञान लेना भी आवश्यक होता है। अब ये तो बनिए के यहाँ पल रहे हैं, वैश्य के यहाँ रह रहे हैं, और हैं क्षत्रिय पुत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार जातियाँ हैं ना, ये जातियों को कर्मणः कहकर के पुकारा है कई ग्रंथों में, इतिहास में साहित्यकारों ने इन चार प्रकार की जातियों को कुल की अपेक्षा से कह करके कार्य की अपेक्षा से बताया है। क्षत्रियों का कार्य युद्ध का, लड़ाई का, पौरुष पूर्वक समझ लीजिए आप, राज्य की सुरक्षा आदि का कार्य जिनका हो वे क्षत्रिय हैं। तेज खून जिनका है, खून में जिनके तेजी है वे क्षत्रिय। ब्राह्मण ब्रह्म को स्मरण करने वाले वे ब्राह्मण हैं। आत्म ध्यान करने वाले, आत्मा परमात्मा की चर्चाएं करने वाले वे ब्रह्म की चर्चाएं करने वाले ब्राह्मण। वैश्य व्यापारी वर्ग वो वैश्य है, और क्षूद्र सफाई कर्मचारियों जैसे वे क्षूद्र हैं। कई साहित्यकारों ने तो इन चार प्रकार के वर्णों की कुछ अलग प्रकार से भी व्याख्या की है। एक व्याख्या इस तरह की भी हमें पढ़ने को मिली बहुत पहले, जिसमें ये लिखा था कि नहाने के पहले ये जीव जब सोकर के उठता है ना तो क्षूद्र है, अभी नहाया धोया नहीं है, अभी
बाथरूम जा करके आया है, फ्रेश होकर के आया है, अभी अभी ये अपवित्र है, अभी अभी किचन में काम करने योग्य भी नहीं है, एक शूद्र जैसा है। फिर नहा धो करके तैयार होकर के जब मंदिर चला गया तो ब्राह्मण वत हो गया, और मंदिर से आकर जब अपने व्यापाराधि कार्यों में लग गया तो वैश्य हो गया, और व्यापार करते करते किसी ग्राहक से या किसी अन्य व्यक्ति से जब किसी मैटर पर उलझ गया तो क्षत्रियत्व जागृत हो गया। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में तो कर्मण है क्षत्रिय, कर्मण है वैश्य, कर्मण है शूद्र, इस तरह की भी चर्चा की है। इनके कार्य की अपेक्षा से बंटवारे भी अनेक स्थलों पर किए गए हैं। क्षत्रिय कार्य की अपेक्षा से, शूद्र नहीं है वैश्य, पालन पोषण हो रहा है वैश्य के यहाँ और खून रगों में बह रहा है क्षत्रिय का। क्षत्रिय होने के नाते अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना भी उसे आना चाहिए, और यह क्षत्रिय परिवार से है इस बात का ज्ञान सेठ गंधोत्कट को है, क्योंकि उसने जब इस बालक को लिया था तो राजमुद्रा इसके पास में देखी थी, वो समझ गया। और फिर पूरी स्थिति को भांपते हुए भी उसे देर नहीं लगी कि इसमें कोई दोराह नहीं है कि हमारे राजा सत्येंद्र के पुत्र हो। क्यों? क्योंकि अभी अभी सूचना मिली है कि राजा सत्येंद्र को काष्ठांगार के द्वारा मार दिया गया, उसी नगर में तो रहते थे सेठ। तो राजा सत्येंद्र की घटना का भी पता लग गया, रानी विजया लापता है, गर्भवती थी, इन सब बातों की खबर है नगरवासियों को, और इस बालक के हाथ में राजमुद्रा दिखाई दे रही है, तो पता लग रहा है कि ये हो ना हो राजा सत्येंद्र का ही पुत्र है, और उसने ठान ली थी ये बात, और ये कार्य किया भी इसीलिए गया था कि इसका लालन पालन उसी प्रकार से होना चाहिए। तो जीवनधर कुमार का लालन पालन करते समय, विद्याध्ययन कराते समय क्षत्रिय पुत्र को युद्ध कला आदि का विशिष्ट ज्ञान लेना भी आवश्यक होता है। अतः जीवनधर कुमार ने अपने मित्रों सहित श्रेष्ठतम विद्यालय में प्रवेश लेकर श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, क्या जयपुर में कितने विद्यालय हैं, कितने स्कूल हैं? वैसे तो अनकाउंटेबल है, होंगे 200-300-400 हैं, 200-300 तो मामूली बात है, इतने तो होंगे। अब 200-300 स्कूल हैं जयपुर में, 300 स्कूलों में से आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? बोले श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्कूल में है। श्रेष्ठ माने टॉप के जो 10-15 हैं, 5-10 जो टॉप के स्कूल हैं उनमें से किसी एक में ये श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने बहुत अच्छा स्कूल है। आपका श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम माने उससे बढ़िया कोई नहीं है, वो श्रेष्ठतम, ये श्रेष्ठतम की बात कर रहे हैं यहाँ। अपने मित्रों सहित श्रेष्ठतम विद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च कोटि की विद्याएं प्राप्त की। गुरुवर आर्यनंदी से तो उन्होंने प्रयोजनभूत लौकिक और धार्मिक शिक्षा ही प्राप्त की थी। माने आप ऐसा कहेंगे कि आर्यनंदी जब सिखा रहे हैं तो फिर विद्यालयों की क्या जरूरत है? भाई आर्यनंदी ने दो प्रकार की कलाएं सिखाई, आप जानते हैं दो कलाएं कौन सी हैं? कला बेहतर पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीव उद्धार। सुनी आपने बेहतर कलाएं हैं इस जीव की, बेहतर कलाएं हैं इस जीव की। मैंने ऋषभ देव जयंती पर मुझे बुलाया था कुछ सालों पहले, राजस्थान जनसभा की तरफ से मुख्य वक्ता के रूप में, तो वहाँ मैंने ये ऋषभ देव स्वामी के संदर्भ में दो बातें कही थी। मैंने ऋषभ देव स्वामी ने जीव को जीविका भी सिखाई और जीवोद्धार भी सिखाया, ये दो महत्वपूर्ण कलाएं सिखाई उन्होंने जगत के जीवों को। ये दो दो में यदि पारंगत है व्यक्ति, आपको यदि अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का देखना है तो दो कलाएँ देख लेना, एक आजीविका और एक संस्कार, दो ही चीजें देखनी है ना अपने को।
धन माने जीव की जीविका, पैसा कमा सकता है कि नहीं, कमा रहा है कि नहीं, धन है कि नहीं, संपन्नता है या नहीं, ये जीव की जीविका, ये तो बहुत है, लेकिन ये नहीं है जीवोद्धार, संस्कार नहीं है, तो बोले ये किसी काम की नहीं है। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। क्या कहा? संस्कार इसके बिना जितनी भी सुविधाएं हैं तो वो सब पतन का कारण है। तो और दो यदि है तो मैंने बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, दो के अलावा तीसरी बात देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आर्यनंदी गुरु थे, इन गुरु आर्यनंदी ने ये दो बातें सिखा दी जो इंपॉर्टेंट थी, बाकी सब सीखते रहना, बाकी में कुछ दम नहीं है, जो सीखो तो सीख लेना विद्यालय में जा करके। एक तो उन्होंने सिखाया लौकिक और एक सिखाई पारलौकिक, ये दो विद्याओं का ज्ञान उन्हें गुरु आर्यनंदी के माध्यम से हो गया। उन्होंने तो इतना ही सिखाया था जो कि प्रयोजनभूत था, काम में आने वाली चीज है, लौकिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। गुरु स्नेह से इच्छाओं की पूर्ति, आगे बढ़े देखिए। तस्य प्रश्रय शुश्रूषा चातुर्याद गुरु गोचरात स्मृता इवा भवन विद्या गुरु स्नेहो ही काम सुह। उनको जीवेंद्र कुमार की चर्चा चल रही है, उनको गुरु के विषय में सेवा शुश्रूषा और चतुराई से विद्याएं स्मरण की तरह आ गई। क्या क्या आ गई? जिस तरह भूली हुई वस्तु याद आ जाती है इसी तरह उन्हें विद्याएं प्राप्त हो गई। क्या क्या देखो, ज्ञान का क्षयोपशम जबरदस्त था। भूतकाल में कभी देवादि गतियों में जहाँ थे अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी हुआ करते थे, अचानक ही क्या हुआ, इस प्रकार इन्होंने विद्याएं सीख ली जैसे इनको पहले से ही आती हो, जैसे याद करने पर किसी तरह की पुरानी बात को एकदम याद आ जाती है ना, और सारी बातें याद आ जाती है, एकदम सपना आया और पुरानी सारी बातें स्मरण हो गई, ऐसा काम हो गया। जैसे ऋषभदेव स्वामी को आहार दान देने के पूर्व राजा श्रेयांश इक्षुरस का आहार दिया था ऋषभदेव स्वामी को, तो इक्षुरस का आहार देने के पहले ही अपने आप ही अपने ज्ञान में पूर्व में दिया गया आहार दान वो स्मरण में आ गया, वो याद हो गया, और वो सारा चलचित्र की भांति सारी चीज सब स्पष्ट हो गई। अब तो सारी बात स्पष्ट हो गई। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय करा रहे हों और एकदम परिचय कराते कराते कोई वाक्य सुन करके एकदम याद, अरे अब तो जान गया इनको कौन है, क्या हुआ, अब क्या हुआ, एकदम क्या, अब कोई बताने की जरूरत नहीं, अब तो मैं जानता हूँ, मैं तो एकदम याद नहीं आया था। याद आते ही एकदम कैसा लगता है, जैसे वो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई हमारे दिमाग में, ऐसी पिक्चर क्लियर हो गई। यहाँ उनको गुरु के विषय में सेवा शुश्रूषा और चतुराई से गुरु के विषय में ये सब सीख लिया उन्होंने, स्मरण की तरह आ गई। जिस तरह भूली हुई वस्तु याद आ जाती है इसी तरह उन्हें विद्याएं प्राप्त हो गई। भूली हुई वस्तु एकदम प्राप्त हो गई, एकदम याद आ गई, ओह दो घंटे से परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को ढूंढते हुए और मिल नहीं रही, पर एकदम वो चीज़ याद आ गई, तो फिर आप क्या करते हैं, जहाँ ढूंढ रहे होते हैं वहीं ढूंढते हैं ना, कि नहीं नहीं याद आ गई ये तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती देख रहा हूँ, ये तो 3 दिन पहले मैंने उनको दे दी थी, ये तो उनके पास में, मैं ज़बरदस्ती 2 घंटे हुए परेशान होते हुए, स्थिति क्लियर हो जाती है। नीतिकार क्या कह रहे हैं, निश्चय से गुरु का प्रेम संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है, ये गुरु का स्नेह। ये कब होता है, आप गुरु की सेवा करें शुश्रूषा और उनके निर्देशन में चलें, गुरु आज्ञा का पालन करने वाले जीव वे निश्चित रूप से गुरु से सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और गुरु के भी वो बहुत विश्वास पात्र हो जाते हैं, और गुरु को भी ऐसा लगता है मैं इसको जितना सिखा सकूं उतना सिखा दूंगा,
उन्हें ऐसा लगता है ये शिष्य मेरा नाम रोशन करेगा, ये योग्य है, इसमें ऐसी योग्यता दिखाई दे रही है, सब कुछ। तो गुरु का प्रेम संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। गुरु के प्रेम से ये जगत के जीव सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं आगे, जीवंदर कुमार को अपने गुरु के प्रति अद्वितीय श्रद्धा और आदर भाव था। देखो ये सिखा रहे हैं शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य के लक्षण कैसे होने चाहिए, अपने बालकों में अपने बच्चों में ये बात सिखाई जानी चाहिए कि गुरुजनों के प्रति आपके हृदय में कैसा आदर भाव होना चाहिए। आपके हृदय में यदि गुरुओं के प्रति आदर भाव है, सिखाने वालों के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, तो समझ लो आप बहुत आगे निकलने वाले हो। वे बालक जिनके हृदय में अपने टीचर्स के प्रति, अपने शिक्षकों और अपने गुरुओं के प्रति विशेष प्रकार का आदर भाव होता है, बहुमान और सम्मान का भाव होता है, वे निश्चित तौर पर बहुत आगे निकलने वाले होते हैं। विनय, देखो जीवंदर कुमार को अपने गुरु के प्रति अद्वितीय श्रद्धा थी, विश्वास था और आदर भाव था, अद्वितीय श्रद्धा और अद्वितीय आदर भाव था। विनय सेवा शुश्रूषा एवं चतुराई के कारण वे गुरु के स्नेह पात्र थे। गुरु का स्नेह क्यों था उनके प्रति, उनके इन गुणों को देख करके, सेवा शुश्रूषा आज्ञाकारी आदि इन गुणों को देख करके वो बहुत स्नेह था गुरु का उनके प्रति। उन्हें सभी विद्याएं मानो स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो गईं, सारी विद्याओं को उन्होंने स्मरण मात्र से प्राप्त कर लिया, अर्थात जैसे भूली हुई वस्तु का स्मरण होते ही वस्तु प्राप्त हो जाती है, भूली हुई थी स्मरण होते ही अब कितनी देर लगेगी उसे प्राप्त करने में, अब तो मिल गई, मिल गई कि हाँ अभी जिसकी बात की ना मैंने, दो दिन पहले किसी को दे दी थी हमने, भूल गए, अभी ज़रूरत पड़ी, घर में तलाश रहे हैं, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, दो घंटे से तलाश रहे हैं, नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं, पूरे घर को माथे पर उठा रखा है, मिल नहीं रही है, और अचानक शांति से बैठ गए तो किसी ने पूछा क्या हुआ, मिल गई, क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ मिली, कह रही नहीं मिल गई, कि कहाँ है, हाथ में तो दिख नहीं रही है, कि नहीं नहीं ज्ञान में मिल गई, पता लग गया ना, अब स्मरण आ गया, तो इसका मतलब अब वो हाथ में नहीं आई, उसको फोन करके कहा नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन याद आ गई, इसका मतलब मिल गई। तो याद आने को मिलना कहते हैं। पूर्व की विद्याएं होंगी, पिछले जन्मों की होंगी, कुछ जाति स्मरण ज्ञान जैसे होते हैं ना, जाति स्मरण तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन पूर्व की सीखी हुई, जैसे पूर्व की सीखी हुई याद आ जाती है, उसी तरह से ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ तो ये वादीप सिंह सूरी आचार्य ये उपमा देकर के बतला रहे हैं, इतना जल्दी उसने पकड़ लिया मानो पहले से आता हो क्या, जैसे टीचर क्लास में कोई सवाल समझा रहे हों और सवाल समझाते समझाते बीच में ही किसी बच्चे से पूछा और उसने उसको सॉल्व कर दिया, तो गुरु क्या कहने लगते हैं, तेरा पढ़ा हुआ था क्या पहले से पढ़ के आया है क्या, मतलब ऐसा लगता है जैसे तुम्हें तो पहले से आता था, जबकि पहले से नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं क्षयोपशम इतना ज़बरदस्त था कि वो ऐसा लगने लगा कि मानो पहले से आता है इसको तो सब कुछ, मैं क्या सिखाऊं, जो बताता हूं वो इसको आता है, जो बताता हूं ये पहले से जानता है, जैसे टोटरमल जी का खा लिखते चले गए, गुरु बतलाते गए लिखते, जैसे पहले से आता था सब कुछ, ऐसा लगता है। स्मरण का उदाहरण यहां इसके लिए दिया गया है। उन्हें सभी विद्याएं मानो स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो गई, अर्थात जैसे भूली हुई वस्तु का स्मरण होते ही वस्तु प्राप्त हो जाती है, वैसे ही गुरु का स्नेह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। ये गुरु का स्नेह है,
सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आप सीख जाओगे। और देखो गुरु से शिष्य चाहता भी क्या है, सीखना और समझना ही तो चाहता है। शिष्य सीखना चाहता है, गुरु सिखाना चाहते हैं, और शिष्य में विनम्रता है, शिष्य में विनय है, शिष्य आज्ञाकारी है, सेवाभावी है, तो गुरु की विशेष प्रीति होती है सिखाने में, और वो सिखाने में कुशल तो है ही, और वो सीख लेता है। ये आगे बढ़ गए, देखिए विशेषार्थ, गुरु की विनय और सेवा करने का भाव मंद कषाय रूप भाव या परिणम है। गुरु की सेवा करने का भाव क्या है? विनय करने का भाव, विनय और सेवा का भाव। विनय शब्द का प्रयोग किया अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय यज्ञ प्रवर्त अंत्य जगति तीर्थम, ऐसा कहकर के उन्होंने कहा मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय यज्ञ प्रवर्त अंत्य जगति तीर्थम। विनय, विनय शब्द का अर्थ किया उन्होंने शिष्य के अर्थ, शिष्य कौन होता है, शिष्य का एक लक्षण विनय है, विनयवान है, जो विनयवान है वो शिष्य होने के योग्य है, और जो विनयवान नहीं है उसमें शिष्य पने के लक्षण नहीं है, ये पात्र नहीं है। जो गुरु को कुछ भी पलट करके जवाब, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ये गुण डेवलप करने की जरूरत है। विनय, विनयवान होना चाहिए। यस सर, जो आज्ञा सर, जैसा आप कह रहे हैं सर, आप जो कह रहे हैं वो बात, माने गुरु के प्रति यदि बहुमान का भाव है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो विनय पूर्वक पूछे, विनम्रता पूर्वक पूछे, नहीं नहीं आपकी बात सही नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं यहां गुरु की विनय और सेवा करने का भाव मंद कषाय रूप भाव और परिणमन है। इसमें कषायों की मंदता होती है, कषाय की मंदता के बिना जीव न तो किसी की विनय कर पाता है और न सेवा कर सकता है। कषाय की मंदता नहीं हो तो कैसे तो विनय करेगा और कैसे सेवा करेगा। मंद कषाय का निमित्त पाकर पूर्वबद्ध ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम होता है। मंद कषाय का मतलब कषाय की मंदता है, अभाव की बात नहीं कर रहे अभी यहां, उसमें तीव्रता नहीं है, उसमें तारतम्य रूप बहुत सारे भेद पड़ते हैं, दिखता नहीं है ऐसा। जो व्यक्ति जैन नहीं है उनके जीवन में कभी कभी बहुत कषायें दिखती है और कभी कभी बहुत मंद कषाय, प्रेम से बोलते हुए कषाय की मंदता दिख। मंद कषाय माने विशुद्धि, मंद कषाय माने सुनने की पात्रता। ऐसे समय पर सिखाएं, ऐसे समय पर बताएं, ऐसे समय पर शिक्षा और उपदेश देने का प्रयास करें जब कुछ कषाय की मंदता दिखाई दे रही हो। तीव्र कषाय व्यक्ति सुनेगा नहीं, पलट के जवाब दे देगा। कितना भी धर्मात्मा हो, कषाय के काल में यदि जनवाणी की बात भी कहोगे तो कहेगा अपने पास रखो जनवाणी, ऐसा बोले, ये धर्म की बातें तुम्हारे पास में रखो, मुझे मत सिखाओ ज़्यादा, ऐसे पलट करके सामने जवाब आएंगे। तो विशुद्धि जरूरी है, मंद कषाय जरूरी है। देखो मंद कषाय का निमित्त पाकर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम होता है, ऐसा ही मंद कषाय और आवरण कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मंद कषाय का और आवरण कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 पृष्ठ 257, इस वृद्धिंगत क्षयोपशम के निमित्त से जीव का ज्ञान विकसित होता है, बढ़ता है। देखो वो जो विनय का प्रसंग है चर्चा करेंगे अपन, कल समय हो गया है अपना, लेकिन वो जो रावण लक्ष्मण का जो प्रसंग है विनय का ही तो प्रसंग है। वो मरणासन्न सैया पर पड़े हैं रावण, और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा जाओ उससे कुछ ज्ञान की बातें ले आओ। वे जाकर के खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले रावण, लौट करके वापस आ गए। तो कहा तुमने कौन से घमंडी के पास में भेज दिया, वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा देगा मेरे को, वो क्या कराएगा, दो बार कहा भी मैंने कुछ ज्ञान की बात बता दूं, कुछ नहीं बोले मेरे से।
बोले तुम कहाँ खड़े थे? बोले उसके मस्तक के पास खड़ा था बिल्कुल। बोले सुनो, तुम्हें यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो मस्तक के पास नहीं, चरणों में बैठ करके, चरणों के पास खड़े होकर के ज्ञान प्राप्त होता है। वापस जाओ, रावण विद्वान है, कुछ ज्ञान की बातें मिलेगी तुम्हारे। और जब वो पैरों के पास में जाकर के खड़े हुए तो उन्हें विशेष प्रकार ज्ञान की उपलब्धि हुई। ये कथानक जैन पुराणों का शायद नहीं है, लेकिन जहाँ भी है विनय की प्रमुखता बतलाने वाला प्रसंग है। शिक्षा दी गई है, विनय जहाँ है वहाँ प्राप्ति है। विद्या विनयम ददाती, क्या विद्या ददाती विनयम, विद्या जैसे जैसे विद्या प्राप्त होगी वैसे वैसे विनय बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे विनय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्याएं बढ़ती चली जाएगी। और अनेक स्थानों पर ऐसे उदाहरण कई जगह मिलते हैं, वृक्ष पर ज्यों ज्यों फल लगते जाते हैं त्यों त्यों वृक्ष नीचे झुकता चला जाता है। तो ज्यों ज्यों ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है त्यों त्यों विनम्रता और विनय बढ़ती चली जाती है। किस व्यक्ति को कितना ज्ञान है यह बात आप उसकी विनय के आधार पर पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जीवेंद्र कुमार अत्यंत विनयवान थे, इसलिए गुरु के विशेष प्रिय शिष्यों में उनका नाम था, और संपूर्ण विद्याओं को उन्होंने गुरु के माध्यम से प्राप्त कर लिया। इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए छोटे छोटे दो पैराग्राफ, 5-7 लाइनें और है, कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम।